आज की खबर की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कल आतंकी हमला हुआ था। और आप देख सकते हैं तमाम सीआरपीएफ और सेना के जवान यहां पर आसपास के पूरे जो इलाका है उसे खंगाल रहे हैं, और अपनी जो कार्रवाई है वो सेना के जवान यहां पर कर रहे हैं लगातार। जहां एक तरफ ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस की जा रही है, वहीं हम आपको बताते चलें कि तमाम जो बड़े बड़े और अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और कोशिश यही है कि इन्हीं जंगलों में जहां भी आतंकी छुपे हों उन्हें निकाला जाए और उन्हें जन्म पहुंचाया जाए। ये वही और सड़क है, ये वही जगह है जहां पे कैमरामैन को कहूँ जूम करके दिखाएं शिवकोड़ी की तरफ से। यहां पर जब और जो ये बस शिवकोड़ी धाम में श्रद्धालु दर्शन करने के बाद आए थे, तो यहाँ पे ये बस ने जैसे ही टर्न किया इस स्पॉट पर और आतंकियों ने एक आतंकी ने सीधे तरफ से उस बस पर फायरिंग कर दी, और दूसरे आतंकी ने निशाना जो है वो साइड से कंडक्टर सीट को लगाया। और इस सब के चलते यहाँ पर एक गोली जो है वो उस ड्राइवर के माथे पर लगी थी, और उसके बाद और ये बस का नियंत्रण जो है वो खो बैठा था। और उसके बाद ही ये बस यहाँ से, ये जगह है, ये वो स्पॉट है जहाँ से सीधा बस जो है वो गहरी खाई में चली गई। आप देख सकते हैं ये जो पोल्स हैं, ये तारे हैं, यहाँ पे टूटी हुई हैं, और इसी जगह से, ठीक इसी जगह से बस, हम मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके आपको दिखाएं कि बस जो है वो JK02AE 3487 ये नीचे गहरी खाई में, लगभग 150 फुट गहरी खाई में यहाँ पे चली गई थी। इसके बावजूद आतंकी यहाँ पर, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, यहाँ से लगातार फायरिंग जो है वो आतंकी इस बस पर यहाँ से लगातार फायरिंग करते रहे। किसी भी जो श्रद्धालु है उसे छोड़ा ना जाए, लेकिन कायर आतंकी थे, डरपोक थे, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे जाकर हम फायर करें, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर वो नीचे जाएंगे तो खुद भी ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए वो यहाँ से ऊपर जंगल का इलाका जो है, ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको जूम करके दिखाएं कि इस तरफ संभवतः ये आतंकी यहाँ से भाग निकले हैं। देर रात का अंधेरा और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जारी है। आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। आज की खबर की टीम इस समय आतंकी स्थल वाली जगह पर है, और ऊपर सड़क से लगभग 150-200 फुट नीचे पगडंडी के रास्ते हम पहुंचे हैं। बिल्कुल साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बस जिस पर कल देर शाम 6:15 बजे आतंकी हमला हुआ, इसका मुआयना अभी भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है सुबह से तैनात है वो कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बारीक डिटेल्स को वर्कआउट कर रहे हैं, नोट किया जा रहा है, किसी का कोई सामान यहाँ ना रह जाए। और आसपास हम आपको बताएं कि काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियां हैं, और ये जो आप बहुत बड़ा पत्थर देख रहे हैं जिसके पीछे ये पिछला टायर और एक्सल जो है वो फंस गया है, इसकी वजह से आगे की जो गहरी खाई है उसमें जाने से ये बस जो है ये रुक गई है। आप जानते हैं 10 के करीब लोगों की शहादत इसमें हुई है, श्रद्धालुओं की शहादत हुई है, और ऐसे में यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें देखा जा रहा है। FSL की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और हर छोटी जो बारीक चीज नोट की जानी है उसे नोट जो है वो FSL की टीम कर रही है। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि काफी ज्यादा बड़ी खाई है ये, और ऊपर जब आतंकियों ने एकदम से फायरिंग कर दी तो ड्राइवर को गोली लगी, उसके बाद ये जो बस है ये नीचे इस खाई में आके गिरी, और ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अगर ये बस ऊपर आतंकियों ऊपर ही फंस जाती तो शायद आतंकी इसमें सवार लगभग 50 लोगों को अपना निशाना बनाते। फिलहाल के लिए यहाँ आकर हमने जानने की कोशिश की कि किस बड़े पत्थर के नीचे ये बस जो है ये फंस गई, और नीचे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि नीचे की तरफ दिखाएं कितनी बड़ी गहरी खाई जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ जब ये बस इस बड़े पत्थर में फंस गई है तो निश्चित तौर पर ऊपर से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग 20-25 मिनट तक लगातार की। उनका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं वो ना बच पाए, लेकिन माता रानी ने उन तमाम श्रद्धालुओं को बचाया है। पगडंडी के रास्ते यहाँ से ऊपर की ओर वो श्रद्धालु गए, और आसपास के लोगों ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस और फिर
तमाम लोग पहुंचे और यहां से लोगों को कल देर शाम रेस्क्यू किया गया। ग्राउंड जीरो से आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। आज की